विरोधियों ने ग्रामीणों को भड़काया है। मेरे काउंसिलर बनने के बाद ही टैंकर से पेयजल आपूर्ति शुरू हुआ, ये बातें कही अशोक पासवान ने। आसनसोल नगर निगम अंतर्गत वार्ड संख्या 66 के काउंसिलर अशोक पासवान खुद के ऊपर पानी बंद करने के आरोप को खारिज किया है। साथ ही दामागोड़िया के आंदोलन कर रहे ग्रामीणों ने भी कहा कि उन्हें गलत तरह से जानकारी देकर अशोक पासवान के विरुद्ध बोलने को कहा गया था। बताते चले कि बीते बुधवार को वार्ड संख्या 66 के काउंसिलर अशोक पासवान पर दामागोड़िया के ग्रामीणों ने आरोप लगाया था कि लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं देने के कारण यहां टैंकर के माध्यम से होने वाली पेयजल आपूर्ति को बंद कर दिया गया है, जिसके बाद स्थानीय निवासियों ने गोलबंद होकर काउंसिलर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया था। साथ ही बराकर कल्याणेश्वरी मार्ग को अवरुद्ध कर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इधर गुरुवार को अशोक पासवान दामागोड़िया पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता किया एवं आश्वासन दिया कि उन्होंने ऐसा कोई भी बयान नहीं दिया है और ना ही पेयजल बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि जहां से टैंकर में पानी भरा जाता है वहां का पाइप फट जाने के कारण समस्या उत्पन्न हुई है। ग्रामीणों ने भी वास्तविक स्थिति से रूबरू होने के बाद अपने शिकायत को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि यहां के लोगों को पहली बार नगर निगम द्वारा पानी मैंने उपलब्ध कराया, हालांकि टेंडर भी पास हो चुका है, जल्द ही पाइपलाइन के माध्यम से घर घर पेयजल मिलने लगेगा। अशोक बोले जल चालू कर दीब कथा माने से सबाई बोलछिले ओजले मुख तक बिराई गेछे बोले दिन छे और नाम। यहाँ पर जो आप आरोप लगाए थे कि अशोक पासवान बोला है कि यहाँ बिजली निजर आरोप लगाए अगला देखो लोकर कथा बाता सुने सुने बोला है किसी कोई बहका दिया जैसे कोई भी पार्टी आके आदर्श पार्टी आके बहका दे। अपना नाम की? हमारा नाम ललिता। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। आज हम लोग का आसनसोल एमपी लीड किए हैं तो कुछ ऐसा इंसान है जो देख रहा है कि यहाँ पे कभी पानी नहीं चल रहा था, पानी का कभी असुविधा नहीं था। आज वो कोई रास्ता किसी को बोल के बहका के ये झूठ फूस बुलाया गया। यहाँ का आदमी जब से हम लोग काउंसलर हम बने हैं किसी को असुविधा नहीं, यहाँ तक कि पानी हम बीसीसीएल को भी प्रेशर दे के रखे हैं, वो पानी देते हैं और हम लोग का म्युनिसिपैलिटी का टैंकर चलता है। कितने वर्षों से चल रहा है टैंकर पानी का? देखिए, हम जब से काउंसलर बने तब से ये स्टार्ट हुआ था। जब मेरा काउंसलर कैंडिडेट जब हुए थे उस टाइम यहाँ पे वोट बायकॉट किया गया था, दो साल से चल तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे आके बैठ के पूरा ग्राम को लेके बैठे। उस टाइम हम लोग यहाँ पे डिमांड हुआ था कि जब तक पाइपलाइन नहीं बैठेगा तब तक हम इसको कॉर्पोरेशन से पानी दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल आसनसोल कल्याणपुर हाउसिंग इलाके में स्थित एचएलजी अस्पताल के ऊपर एक बार फिर इलाज में लापरवाही का आरोप लगा है, जिस आरोप के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ है। जिस हंगामे को शांत करने के लिए पूरा अस्पताल परिसर पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। अस्पताल परिसर में हंगामा करने वाले लोगों की अगर माने तो वह वीरभूम जिले के काकड़तल्ला थाना अंतर्गत पासडी इलाके के रहने वाले हैं। उनके इलाके के रहने वाले प्रदीप बावरी का 18 वर्षीय बेटा देवाशीष बावरी गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे सर में दर्द और बुखार से ग्रस्त होकर स्वास्थ्य साथी कार्ड पर इलाज करवाने के लिए भर्ती हुआ था, जिसके बाद करीब देर रात 12:30 बजे इलाज के दौरान ही देवाशीष की मृत्यु हो गई, जिसके बाद से देवाशीष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। देवाशीष के परिजनों यह मानने को तैयार नहीं कि सर में दर्द और बुखार होने से कैसे कोई मर सकता है। जरूर देवाशीष की इलाज में लापरवाही हुई है जिस कारण देवाशीष की मौत हुई है, जिसको लेकर शुक्रवार सुबह से ही देवाशीष के परिजनों सहित उसके इलाके के कई लोग अस्पताल परिसर में हंगामा कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के ऊपर यह आरोप लगाते हुए कि उनकी लापरवाही से देवाशीष की मौत हुई है, वहीं उनको शांत करने के लिए पुलिस बल भारी संख्या में तैनात की गई है, वह इसलिए कि इस हंगामे के बीच अस्पताल में कोई अप्रिय घटना न घट जाए। और समय भौतिक पर तार पर है, तार पर समस्त कुछ लिख लिया, ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट ये रिपोर्ट कुछ हो गया, ये रिपोर्ट कुछ हो गया, ये असल नहीं ऐसा ये असल नहीं ऐसा, हाँ तार पर समस्त कुछ एनी रिपोर्ट गला सब कुछ हाँ नहीं को तार पर हम आज के देखी जे रिपोर्ट रिपोर्ट गला चेक करलम जे चेक करे पर सब रिपोर्ट नहीं सब रिपोर्ट पर देखो खाइए फाइल मध्य नहीं कुछ नहीं को दिखाते पाइना को दिखाते पर ना पर जो हमरा वो फाइल तो हमरा निजरा नीली
নিজারে নিলে তারপর ওরা পুলিশ ফোন করে, পুলিশ ফোন করার পর তারপর পুলিশ চলে আসে, পুলিশ চলে আসে তারপরে আমাদের ছেলেদের কাছে ফাইলটা ছিল, ফাইলটা পুলিশ কেড়ে নিচ্ছে, কেড়ে নেবার পর তারপরে জমা দিয়ে দিলে, জমা দেওয়ার পর ওরা কি করলে ফাইলটা নিয়ে চলে গেল, তারপরে চেঞ্জ করে তারপরে ওরা কম্পিউটারে কি করলে না করলে। হ্যাঁ, তা আমাদেরকে আর আমাদের কালকে আমরা 9:30 ভর্তি করেছিলাম, আমাদের লিখেছে 9:30 ভর্তি লিখেছে, আমাদের 3টা সময় লিখেছে কি হয়েছিল, মাথাটা ব্যথা করছিল আর হালকা ধরনের জ্বর ছিল আর কিছু না। কি নাম? সুভাষ দেবাশিস বাউরি। 18 বছর বয়স, 19 ঢুকলো, 18 বছর 19। কি বলছে হসপিটাল বক? হ্যাঁ, অস্বীকার করছি। হ্যাঁ, ওরা অস্বীকার করছে, আমরা সব করেছি, তা আমরা ফাইলটা যদি না দিই তাহলে তো আমরা সবকিছু আমরা পেয়ে যাই, ফাইলটা এসে পুলিশে এসে কেড়ে নিল। আপনার কে বটে? আমার ছেলে। এখন কি হয়েছে? এখন ছেলে এখন আমার মারা গেছে। কখন মারা গেল? মারা গেছে হঠাৎ 12টার সময়। সেভাবে চিকিৎসা নাই, ওষুধ সব ইঞ্জেকশন, সব ইঞ্জেকশন রেখেই দিনছে। তারপরে যখন আমরা লাশ হয়ে আসছে, হ্যাঁ তখন ইঞ্জেকশন ফুটছে, ই করছে। হ্যাঁ, কখন ভর্তি করেছিলেন? ভর্তি কাল 9:30। ওরা কম্পিউটারে লিখেছে দিনে দিনে। আমাদের বাড়ি আছে পারসুন্ডি বীরভূম কামারতলা থানা। আমার নাম প্রদীপ বাউরি।